आज है 28 सितंबर 2024 और दिन है आज शनिवार का, और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ सितंबर 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। तो चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं और आज सबसे पहले आज आप लोगों को हिमाचल प्रदेश डलहौजी से आज का वेदर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आज हिमाचल प्रदेश डलहौजी से आज का वेदर। बिल्कुल सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अब देखते हैं आज हमें पूरा दिन भर कैसे मौसम मिलता है। 9:37 हुए हैं और हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेस्टों के होटल की ओर। 10:37 हुए हैं और गेस्ट आ गए हैं रेडी होकर कार के पास। जी गुड मॉर्निंग। आज तो ठंडा हो गया मौसम। चलिए आज लेट हो गया, क्या हुआ? हाँ सुबह ना अलार्म पता ही चला, ठंड की वजह से लगता ट्रैक कर लिया थक गया। अब वो राबी उस तरफ और ESU इधर हमारी तरफ। रंग दिखते हैं अलग अलग? नहीं, रंग तो एक जैसे ही, पर एक जैसे उधर बारिश हो रही होगी तो उसका पानी फिर तब अलग हो जाता है ना। जिस पीछे कहीं बारिश हो तो इधर वो मिट्टी वाला पानी आ जाता है ना, फिर पता लग जाता है कि उस तरफ ज्यादा बारिश हुई है। वो राबी है उस तरफ और हमारी तरफ जो जा रही है ये सियूल है। ये सियूल लोकल नाम है। ये लो 11:50 हुए और हम आगे चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट। तो करनी बोट बाट आपने? हाँ, तो ये नीचे जा रहा रास्ता ये ना है जी। हाँ स्वीट बोट है, स्वीट बोट है और नॉर्मल भी है। फोटो फाटो करके और करके आ जाओ थोड़ा बहुत। 11:52 हुए और मैंने अपने गेस्टों को चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट घूमने के लिए भेज दिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज अभी तक इतनी ही टूरिस्ट कारें यहाँ पर पहुँच पाई है। पानी बड़ा गंदा कर रखा है। पानी फिर रुका हुआ है ना, तो पीछे से जो भी अभी पीछे बरसातें होती है जो भी कचरा कुचरा होता है बह गया। अब साफ होगा ना, ये अब बरसात खत्म होगी हो जाएगा साफ। इधर कोई हुआ भी है कुछ इधर मुझे लगता। हाँ। पुलिस भी है। हाँ। जा ठीक है, दुकान वाले से पूछ रहे थे, दो तीन लोगों को बैठा रहे पूछ रहे। अच्छा चलिए जी, 12:26 हुए और हमने चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट घूम लिया। और जब हम आए तो अकेली गाड़ी थी हमारी उस वक्त, और अब तो काफ़ी भीड़ हो गई है। पुलिस की गाड़ियाँ भी, पुलिस भी है इधर। नीचे तो कोई भी नहीं है। अच्छा नीचे कोई नहीं गया? वोटिंग पॉइंट में कोई भी नहीं है बस। अच्छा ये सारे कर चुके हैं जो। अच्छा ये सारे कर चुके हैं? हाँ, दो बोर्ड लगी हुई थी वो बस। अच्छा कोई बंदा ही नहीं था। अच्छा 12:33 हुए और हम चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट घूमने के बाद आ गए हैं तलेरू वाटरफॉल देखने के लिए। 12:58 हुए और हम तलेरू वाटरफॉल देखने के बाद पहुंच गए हैं भलेई माता मंदिर देखने के लिए, और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ पर इतनी और भी टूरिस्ट कारें टूरिस्टों को लेकर पहुँच चुकी है। चलिए जी, 1:40 हुए और गेस्ट आ गए दर्शन करके। ये आपको वो भी मिल गया क्या? मिली अच्छा, तो चलो लंच का टाइम था पूरा। हम तो वैसे कहीं छोटा छोटा खा लेते हैं। हाँ चंबा जाके कर लेंगे लंच। तो कहाँ मिली है जो नीचे की मार्केट है? राजमा थे। हाँ मदरा नहीं था? मदरा। अच्छा मदरा था ना, ठीक है। राजमा भी थे और कड़ी भी थी। हम्म, तो एक धाम टाइप थी, 80 रुपए का प्लेट। हाँ तो अच्छा हो गया बिल्कुल। फिर तो भीड़ तो नहीं थी ऊपर ना मंदिर में? नहीं। चलिए अभी चंबा चलना है ना फिर? हाँ। हम भलेई माता मंदिर में दर्शन करने के बाद पहुँच गए हैं चंबा चामुंडा देवी
मंदिर। चलिए जी, पूरे 3 बज चुके हैं और हम भले माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब पहुंच चुके हैं चंबा चामुंडा देवी मंदिर देखने के लिए। चलिए जी, 3:07 हुए और हम लोगों ने चंबा चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। चलिए जी, ये देखो चामुंडा देवी, ये था पहले बस स्टैंड। ये आज तो काफ़ी भीड़ है चंबा में भी। चलिए जी, 3:20 हुए और हम पहुंच गए चंबा। तो फिर क्या करना है, अपने पहले म्यूजियम के पास जाना है क्योंकि उसका टाइम होता है फिर बंद होने का, बंद हो जाएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना पहले, है ना। तो मैं म्यूजियम के पास आपको उतार दूंगा ना, फिर गाड़ी मेरी आ जाएगी यहाँ पे पार्किंग में। अच्छा। फिर वहाँ से आपने किसी को पूछ लेना लक्ष्मी नारायण का रास्ता, तो फिर लक्ष्मी नारायण का दर्शन करके फिर बाकी जो है चंपावती और हरी राय देख लेने। आप पार्किंग में मिलोगे? मैं तो फिर इधर ही जहाँ पे जहाँ उतारूंगा मैं बता दूंगा ना, नहीं तो इधर आ जाना। अगर दूसरे टेम्पल आप देखोगे ना तो फिर तो इस यहाँ पे आ जाना आप, तो यहाँ पे गाड़ी मुड़ भी जाती है ना, ये गेट जल जैसे आई लव, तो वहाँ से फिर जब आपने बाहर बाहर से आना होता उधर से, उधर से बाहर से और इधर खड़े हो जाना फिर। अच्छा, उधर से नदी भी दिखती है, व्यू है ना पूरा। कम से कम थोड़ा 10 मिनट पहले फोन कर देना ना, क्योंकि कई बार हम गाड़ी से दूरदार होते हैं वो, तो फिर इधर खड़े होना पड़ेगा आपको ज्यादा देर। ये है मेन गेट जो 1000 साल पूर्व बनाया था, ये सहस्त्राब्दी द्वार। ये ऊपर जाता है आपका लक्ष्मी नारायण के लिए, ये जो ऊपर रास्ता है, ये आइसक्रीम वाला है ना ये बैठा हुआ है। ये आगे अब वो पुरानी मार्केट सारी, इसमें पुराने ये जो लोग गहने पहनते थे, जैसे बड़े से पुराने पुराने इधर गहने मिलते हैं। फिर ये चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, चंबा सोल, फेमस है इधर की, एक्सपोर्ट होती है। जैसे पंजाब में कैसे अमृतसर की जो वो है जुतियाँ, तो ऐसे ये चंबा की फेमस है, ये एक्सपोर्ट होता है सारा ये चंबा चप्पल। ये अपने हिसाब से मार्केट मुर्केट घूम के फिर इसके बाद सीधा नॉन स्टॉप है, फिर रास्ते में कुछ भी नहीं है, है ना। तो चाय चूहे पीनी होगी तो वहाँ पे टी ब्रेक आप ले सकते हैं ना, अगर रुकना हुआ फिर तो। ये है नहीं तो फिर सीधा डलहौजी है फिर। ये यहाँ से ये अब 60 किलोमीटर है? हाँ, 60 किलोमीटर है जी, वो समझ लो 2.5 घंटे लगभग। अच्छा। ये आ गया म्यूजियम, ये है म्यूजियम ना। तो यहाँ पे आपने वो करके और फिर यहीं से पूछ लेने गार्ड गुड को ही ना, तो सीधा इधर से ऊपर लक्ष्मी नारायण, किसी को पूछेंगे तो सब बता देंगे लक्ष्मी नारायण का रास्ता। ये लो, ठीक है जी, ओके। चलिए जी, 3:23 हुए और मैंने अपने गेस्टों को चंबा म्यूजियम देखने के लिए भेज दिया है। चलिए जी, 5:03 हुए और गेस्टों ने चंबा घूम लिया है। इधर से तो मैंने वैसे ही बिठा लेना था रास्ते में, क्योंकि उधर गोल चक्कर पे मुड़ जाती है ना इधर से आने। नहीं, मैं आपको वहां वहीं पे ना, जब मैंने पहली बार फोन। अच्छा, तो मैंने थोड़ा आगे चलते। चलिए, क्या क्या देखा? वही म्यूजियम। हाँ, फिर वो कौन सा था, लक्ष्मी नारायण, फिर मार्केट ही घूम रहे थे और बाकी नहीं देखे दो? नहीं, बहुत मंदिर हुए आज। कैसा लगा चंबा? खाया कुछ इधर? खाया पिया? बढ़िया। ये बाहर की तरफ से आते थे, इधर टूरिज्म का कैफे भी था ना उधर, फिर वो पॉइंट पे थोड़ा मौसम गर्म है, बेहतर थोड़ा गर्म हो जाता है जब ऊपर बर्फ गिर जाती है ना, ठंड हो जाती है उन दिनों के लिए, फिर ये ठीक है। देखा कितना पुराना था लक्ष्मी नारायण या म्यूजियम, जिनको चढ़ाई पूरी ऐसे पहाड़ पे ऊपर है। हाँ, पूरा ऊपर खड़ी पहाड़ी सारी। लिया कुछ राजमा वगैरह घर के लिए भी? अच्छा, अखरोट लिया। अच्छा, पंजीरी और अखरोट, ये इधर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास ही सामने उसके दुकान है। चप्पल भी ली। चलिए जी, चंबा कंप्लीट हुआ,
अब देखते हैं आगे कहीं चाय वगैरह के लिए रुकना हुआ तो ठीक है, नहीं तो चलिए जी। 6:03 हुए हैं और हम रुक गए हैं कांदू में चाय पकौड़े के लिए। चलिए जी, चाय पकौड़ा कैसा था? चलिए जी, ये था चाय पकौड़ा लोकल कांदू का। तो कल मुझे ना एक बार सुबह हुई 9:30 के आसपास बता देना, अगर इन्होंने टाइम दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से मैं निकाल दूंगा इधर 1-2 घंटे आपके। आज तो थोड़ी हुई होगी थकावट, लॉन्ग ड्राइव हो जाती है ना। चलिए जी, 7:35 हुए और हम चंबा घूमकर आ गए वापस डलहौजी। और आज शनिवार है ना, आज थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है। हाँ, ऊपर तो इस वक्त पूरी चहल पहल होगी। ये बस है वो, ठीक है जी, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ कोई नहीं। चलिए जी, 7:36 हुए और मैंने अपने गेस्टों को डलहौजी बस स्टैंड उनके होटल में ड्रॉप कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ बाया सुभाष चौक होते हुए डलहौजी माल रोड की ओर। 7:38 हुए और मैं पहुँच गया हूँ डलहौजी सुभाष चौक पे। तो सुभाष चौक पर तो इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं लग रही है। तो सुभाष चौक पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे देखने के लिए नहीं मिली। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुभाष चौक से डलहौजी गांधी चौक माल रोड की ओर। चलिए जी, 7:44 हुए और मैं पहुँच गया हूँ डलहौजी माल रोड पे और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी माल रोड पर 7:44 पर कुछ ऐसी चहल पहल, तो ये आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। आज डलहौजी माल रोड पर इतने टूरिस्ट जो हैं ये घूमते हुए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।